विशाल कुमार मंडल जो अभी पैरामाउंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप उनका कौन लगते हैं? मैं उनका बड़ा भैया लगता हूँ। बड़ा भाई? मेरा नाम है त्रिदीप मंडल। अच्छा, आपका भाई का क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरा भाई का कोविड का सिम्टम था, स्टार्टिंग में तो फीवर था उसका 15 मई से। उसके बाद लूज मोशन, फिर आपका खांसी, यही सब फीवर था उसका। यहाँ का जो परिसेवा जो है, डॉक्टर बोलिए, नर्सिंग स्टाफ बोलिए, या कैंटीन का खाना बोलिए, या टोटल सर्विस बोलिए, उससे आपका क्या मतलब मना, क्या मना रखते आपके पास? सर, यहाँ पे डॉक्टर राहुल तापाड़िया के अंडर में ट्रीटमेंट हुआ था। डॉक्टर से डेली जो अपडेट मिलता था भाई के बारे में, वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सर का जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया सर, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी 8 दिन में उसका रिलीज़ हो जाएगा। और नर्सिंग स्टाफ बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोलिए, ऑफिस स्टाफ बोलिए, कैंटीन का परिसेवा, फार्मेसी, जितना भी है सर, बहुत ही बढ़िया है यहाँ का परिसेवा। जी सर, जिससे भी जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया, जो भी क्वेरी किया, साथ साथ में मेरा क्वेरी एकदम रिजॉल्व हुआ, साथ साथ में मेरे को जवाब मिला, चाहे वो ओवर टेलीफोन हो या फेस टू फेस हो, मेरे को साथ साथ में मेरे को सेटिस्फाई हुए, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी मतलब आंसर मिला, क्वेरी का जवाब मिला सर। अच्छा, आपको मैं ये पूछता हूँ, अगर हम 10 का स्कोर दे 10 में, आउट ऑफ 10 आप पैरामाउंट का जो परिसेवा जो है, आप उसमें कितना देना चाहते हैं? सर, मैं 10 out of 10। और आपके तरफ से अगर कोई फीडबैक हो, यहाँ पे आपके पास कोई एडवाइस हो, कहाँ पे कहीं पे हम लोग का कुछ कमी रह गया, कहाँ हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बताएं सर। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब पेशेंट के साथ अगर कॉन्टेक्ट करने का अगर थोड़ा वो, कि दिन में वैसे तो एक बार करके बात होता ही था पेशेंट से, फिर भी अगर एटलीस्ट उनके पास कम से कम मतलब कुछ मोबाइल रखने का सुविधा हो। अब मैं पता है ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा दिन फ़ोन आएगा, ऊपर से हो सकता है पेशेंट का तब ट्रीटमेंट चल रहा हो या डॉक्टर राउंड पे हो, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। ठीक है, और एक चीज़ ये लास्ट में बताना चाहता हूँ कि विशाल जी अभी ठीक होकर घर जा रहे हैं, और हम लोग टीम पैरामाउंट की तरफ से और चाहते हैं कि वो उसका जो ज़िंदगी आने वाला कल बहुत सुंदर रहे, वो सुस्वास्थ्य में रहे, और वो पूरा फैमिली की तरह आनंद से जीवन यापन करें। थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी। आप कहाँ का रहने वाले हैं? सालूगढ़ा सर। सालूगढ़ा का सर, आपको क्या तकलीफ हुई थी? सर, मेरे को कोविड सिम्टम था, बुखार था, थोड़ा खांसी भी हुआ था, जैसे पतला पॉटी हुआ था सर। और अब अभी जो आप जा रहे हो डिस्चार्ज लेके, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत बेटर फील हो रहा है सर, जो सब सिम्टम था सर वो अभी नहीं है, एकदम जीरो सर। और आपके यहाँ पे जितने डॉक्टर स्टाफ ये लोग जो आपको जो परिसेवा दिए हैं, उसके विषय में आपको क्या बोलना है? 100% हैप्पी सर, ओनली सैटिस्फाइड। यू आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद ऑल देयर सर्विस? यस सर। एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड कैंटीन? एक्सीलेंट सर, आई लव एवरीथिंग। कौन डॉक्टर आपका आज इलाज कर रहा था? डॉक्टर राहुल तापाड़िया। तो उनके विषय में कुछ बोलिए अगर सर। बहुत हम्बल है सर, अच्छे से बात करते हैं, उनसे बात करिए, उनसे बात करने का मौका देते हैं। तो आप खुशी खुशी घर जा रहे हो, हम टीम पैरामाउंट की तरफ से आपको ये शुभेच्छा देता हूँ कि कल आने वाला कल बहुत बढ़िया रहे, डिजीज फ्री रहे, सुंदर जीवन यापन करें। थैंक यू। हेलो, आई एम डॉक्टर राहुल तापाड़िया, MD मेडिसिन, done my fellowship in endocrinology. Recently we admitted 25-year-old Mr. Mandal from Salugada, presented with severe bilateral COVID pneumonia and type 1 respiratory failure. With this we admitted him in COVID ICU ward, and which was managed in the line of standard COVID protocol. During this period he also was observed for the oxygen level, and we have given him a high flow which was tapered down as his symptoms was improving. So with this, another couple of days we observed him in room air for 48 hours which he did not require any oxygen, and with this we plan to discharge, and patient is being discharged, and we wish him a very healthy life ahead and be in regular follow up with our team members. Thank you.